सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वह ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, जिसे आप लोग BCG के नाम से जानते हो। तो ब्राइटकॉम को लेकर मैं 3-4 दिन से आपको लगातार अवेयर कर रहा था कि स्टॉक के अंदर सावधान हो जाना, कभी भी गिरावट हो सकती है, कभी भी गिरावट हो सकती है। और आखिरकार आप देखोगे आज के दिन स्टॉक में LC लग चुका है, और इस गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या रही है वो तो देखो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि स्टॉक जिस हिसाब से चला हुआ था नीचे के लेवल से नॉन स्टॉप भाग रहा था, ठीक है। तब मैंने आपको बोला 18 रुपये के आसपास इसका बहुत हाई रिस्की लेवल रहेगा, ठीक है, हाई टारगेट रहेगा, हाई रिस्क वाला टारगेट। अगर कोई भी इसके अंदर चलना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। सुबह आप देखोगे स्टॉक में यू से लगा, यू से के साथ ओपनिंग हुई। ये भी बोल दिया था कल वाली वीडियो में कि स्टॉक आपको UC में ओपनिंग लेते नजर जरूर आएगा, लेकिन उसके बाद आपको स्टॉक में स्टॉप लॉस लेके चलना ही चलना पड़ेगा। अदरवाइज एक बार ऊपर के लेवल से इन्वेस्टर निकले ना, ये बिग प्लेयर निकले, तो स्टॉक का वहीं टाइट फिश हो जाएगा भाई। और यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक के अंदर आखिरकार LC आज के दिन देखने को मिला है, और इन सब के चलते एक बैड न्यूज भी आई है। बैड न्यूज क्या, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ASM लॉन्ग टर्म ASM की थर्ड स्टेज में कल के दिन 17 मई को एक्टिव हुआ। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए थी, 17 मई को थर्ड स्टेज में एक्टिव सेकंड से। तो इसका मतलब स्टॉक के ऊपर जो आप देखोगे जो एडिशनल सर्वेलेंस है वो बढ़ती जा रही थी काफ़ी टाइम से। तो ऐसे में हमें शेयर के साथ बिल्कुल सतर्क रहना था भाई। यहाँ पर आप देखोगे LC का रूप ले लिया है, अब नॉन स्टॉप स्टॉक टूट सकता है, और यहाँ पर शेयर सेल करने हो जाएंगे अब मौत, क्योंकि शेयर सेल नहीं होने वाले हैं, सभी सेलर स्टॉक के अंदर घुसेंगे। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम लगे हुआ आप देखोगे सुबह सुबह 5,67,00,000 की वॉल्यूम एक झटके में माल निकाल दिया सारा बड़े ऑपरेटरों ने, बड़े प्लेयरों ने, और पब्लिक अब यहाँ पर लटकेगी पेंडुलम की तरह, ठीक है। बस ये देखेगी हम कहाँ पर निकले, कहाँ पर से निकले, कहाँ से निकले, कहाँ से निकले, लेकिन निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर आपको जो अभी जितनी गिरावट होगी उतनी गिरावट का सामना करना पड़ेगा। क्या पता यहाँ से एक न्यू बाउंड वीक लो बना दे, क्या पता ये 10 के आसपास उठ जाए, क्या पता ये 12 के आसपास उठ जाए। लेकिन एक ही स्ट्रेटेजी रहेगी यहाँ पर, अगर आपने सेलिंग प्रेशर डाल रखा स्टॉक के ऊपर अभी भी, तो यहाँ से अपने जो सेल ऑर्डर है वो आपको हटाने पड़ेंगे, ताकि स्टॉक के अंदर जल्द से जल्द हमें फिर से रिकवरी बनते नजर आए। तो आप देखोगे स्टॉक 9.40 रुपये से भागना स्टार्ट किया, 18 रुपये के लेवल टच किए, 100% रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। तो पब्लिक को यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बन रही थी, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट लेके बाहर निकलना था। और यहाँ पर अब आप देखोगे स्टॉक में जो ना भी एक झटके में स्टॉक को ऊपर के लेवल से डंप कर दिया है, तो यहाँ पर पंप और डंप हैवी ऑपरेटर गेम, बहुत खतरनाक ऑपरेटर गेम चल रहा था। इस ऑपरेटर गेम के चलते अब आप देखोगे स्टॉक में एक जो सेकेंड चांस रहेगा तेजी का वो कब है, वो होगा इसका क्वार्टर फोर रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो आप देखोगे वहाँ से भी स्टॉक में तेजी बन सकती है। जैसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट का हमें जो ना अभी 28 तारीख को ये अपडेट आते नजर आया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में जो ना अभी चुना गया है, तो उसी के चलते आप देखोगे स्टॉक में UC लगने स्टार्ट हुए। तो उसके बाद अब आप देखोगे भी Q4 अगर अच्छे आते हैं तो स्टॉक में क्या पता फिर से तेजी बन जाए, अदरवाइज स्टॉक का टूटना तो लाजमी है। और ये शेयर आप देखोगे आपको 10 रुपये के भी डाउन जाते नजर आ सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है अब इसके ऊपर। तो चलो दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी BCG के ऊपर सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा हाई है, 42,68,000 क्वांटिटी सेलिंग के लिए है, जबकि बाइंग के लिए आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 27,76,000 क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक LC में लॉक हो चुका है, तो यहाँ पर आपको जरा भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ से आपको सभी सेलिंग के जो ऑर्डर है वो हटाने पड़ेंगे, ठीक है, सेलिंग ऑर्डर हटा लीजिए, क्या पता फिर से स्टॉक में यहीं से हमें जो ना भी फिर से रिकवरी बनते नजर आ जाए। तो यहाँ से आपको जो भी सेलिंग प्रेशर बिल्कुल ही हटाना पड़ेगा, सभी पब्लिक को जो यहाँ पर आप देखोगे पेशेंस खोकर अपने सेल ऑर्डर डाल रही है, ये सेल ऑर्डर हटा लीजिए, ताकि स्टॉक अंदर जल्द से जल्द फिर से तेजी बने, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।